दयानंद सरस्वती जी का घर, जो अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो अभी हम आ चुके हैं गुरुकुल में, टंकरा गुरुकुल है ये। देखो आदित्य यहाँ पे है महात्मा सत्यानंद मुंजाल गुरुकुल भवन। ये देखो इधर पीछे हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी के और शिष्य में हम सारे। अभिषेक जो हमको लेके जा रहे हैं उनके गुरुकुल में, वो यहीं पे पड़े वाले हैं। ये विवाह तो काफी पुराना है, ऊपर भी रहता है, ऊपर भी रहता है। तुमसे का गुरुकुल ये राजा का महल होता है, रानी वास है। ये देखो इधर गुरुकुल के बाजू में एक नदी है, जैसे कि अभी को दिखा रहे। साफ दिसला का तुम्हाला तर बघा तिकडे पळायलाय ते दिसला का साफ साफ आहे नीचे उतरने के लिए तो अभी हम छत पे आ चुके हैं। सामने एक बहुत ही बड़ी घड़ी दिख रही है, जैसे कि देख सकते बहुत बड़ी घड़ी है। ये है कुछ टंकारा का व्यू गुरुकुल का। इधर जय देव बोल रहा है कुछ गीत, क्या बोल रहा था? ये पूरा गुरुकुल है। बहुत ही बड़ी यज्ञशाला है, ये देख सकते हैं। ये यहाँ पे यज्ञशाला है, हवन होता है। अरे थोड़ा इधर हो, एक मिनट एक मिनट छोटा ब्रह्मचारी जी, अरे इधर देखो, ये कह रहा हूँ ये आना चाहिए, मूर्ति नहीं आया तो चलेगा, बढ़िया आना चाहिए।
फोटो फोन लेने में बिजी है यार। तो ये आप देख रहे हैं ये मंदिर, इसी के ठीक पीछे यहाँ पे एक नदी है, देख सकते हैं। ये जो नदी है वो सीधा गुरुकुल से, अभी हमने दिखाया तो वो गुरुकुल से, और ये नदी नजदीकी और एक ही है। पूरा मंदिर बहुत ही मतलब, और ये जो बिल्डिंग है देख रहे यहाँ के, ये 200 साल पुरानी है, ये 200 साल पुरानी की है। अभी यहाँ पे एक मासा आ रहा है, देख सकते हैं। पता नहीं कौन किस जाति का मासा है, तो बहुत बड़ा है लेकिन। हाँ कौन थी तुम? अब वो ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, और ये नदी के किनारे एक मंदिर है जो डेमी नदी है, उसी के किनारे महर्षि दयानंद जी का बोध जो मिला था उनको, उनका जो मंदिर है। तो ये मंदिर जो है वो डेनी नदी के किनारे बना हुआ है, यही पास में जो नदी है और इधर ही मंदिर है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी टंकारा गलियों का दृश्य है, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी की निवास दृश्य है, स्वामी जी के निवास का स्थान है, यहाँ पर स्वामी जी निवास किया करते थे। महर्षि दयानंद जी के निवास का दृश्य है, स्वामी जी का निवास स्थान, हम सबका सौभाग्य है यहाँ पे हम आए हुए हैं। ये इनका पुराना घर है, आज बहुत ही भव्य बना दिया है। ये देखिए उनका यहाँ पे एक पोस्टर लगा है, जहाँ पे लिखा है मेरे महर्षि की विशेषता है, यहाँ पे उनके सारे गुण लिखे गए हैं। तो अभी हम एंट्री कर रहे हैं अंदर। 15 लोग के करीब ले लो, युवा बजे आ लोग एक ही टीम में, कुछ एक ही टीम में काम है। देख सकते हैं यहाँ पे महर्षि दयानंद जी के ये जो हॉल है, और सामने इनकी मूर्ति है। चलो चलो एक मिनट चलो, ये देख सकते हैं यहाँ पे इनका गद्दिया है, गद्दिया कुछ वस्तु है। इनका पालन अच्छा, ये उन्होंने खुद लिखे हुए दयानंद सरस्वती जो कुछ हस्ताक्षर है। ऊपर के जो हस्ताक्षर है वो उनके खुद के है, वो खुद उन्होंने लिखे है। तो अभी यहाँ पे सब ग्रुप फोटो निकाल रहे हैं, ये पूरा महर्षि दयानंद जी का देख सकते हैं। बोलिए महर्षि देव दयानंद की जय, जो बोले सब है वैदिक धर्म की जय, जो बोले सब है वैदिक धर्म की जय, महर्षि देव दयानंद की जय। दो सभी जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, दस्तक दमन महर्षि।